हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडेस आवर सब्जेक्ट इज वैल्यूज एंड टुडेस आवर टॉपिक इज बी लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी से इट अलाउड। यहाँ पर हमें पिक्चर स्टोरी दिख रही है जो कल हमने लेसन पढ़ा था हेल्प इफ यू कैन, तो उसमें ये अभी एक स्टोरी है पिक्चर वाली, तो वो हमें स्टोरी को रीड करना है कि कौन से पिक्चर में क्या है और ये स्टोरी हमें क्या बोलना चाह रही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, अ बॉय वॉज फ्लाइंग द काइट नियर द रोड। ये जो बॉय है, ये लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है। कहाँ पतंग उड़ा रहा है ये लड़का, तो रोड के पास में। और सेकेंड पिक्चर में क्या है, हिज काइट फेल डाउन ऑन द रोड। उसकी पतंग कहाँ गिर गई, लड़के की पतंग रोड के ऊपर गिर गई। अ बॉय वॉज गोइंग टूवर्ड्स होम बाइंग स्टफ। और दूसरा एक लड़का साथ में सामान लेके अपने घर तरफ जा रहा था। एंड द बॉय ही वॉज फॉलिंग डाउन रॉप ऑफ द काइट फ्लैप्ड हिज लेग इन इट एंड ही फेल डाउन। जो लड़का जो यहाँ पर सामान लेके जा रहा था ना, ये लड़का सामान लेके जा रहा था और जो उसकी पतंग काइट गिरी हुई थी, तो उस काइट का जो ये धागा है ना, ये लंबा हमें दिख रहा है, तो इसके अंदर इसका पैर फंस गया और ये बॉय गिर गया। फिर इस नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, एंड द अदर बॉय कम एंड हेल्प हिम टू गेट अप। और दूसरा एक लड़का आया और जो लड़का गिर गया था उसको उठाने में उसने उसकी मदद की। फिर है एंड ऑल्सो हेल्प हिम इन कलेक्टिंग हिज लगेज। और उसने उसका जो लगेज सारा सामान गिर गया था यहाँ वहाँ रोड पे, वो भी उसको उसने उठाने में मदद की। That is how the boy become helper and also helped him to cross the road. तो जो दूसरा लड़का जो उसको उसका लगेज उठाने में मदद कर रहा था, उसने उसकी खूब अच्छे से मदद की और फिर उसने क्या किया, उस लड़के को रोड क्रॉस करने में हेल्प की। हेल्प इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो तो दूसरों की मदद करो। हम अगर किसी की भी मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और जो अभी हमने ये स्टोरी रीड करी है वो आपको आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेज नंबर 11 पे पैराग्राफ राइटिंग। ये जो यहाँ से यहाँ तक है 4 लाइन 1 2 3 4, ये पैराग्राफ राइटिंग आपको आपकी वैल्यू की नोटबुक में ये देख देख के अच्छे से नीट एंड क्लीन और प्रॉपर वे में आपको लिखना है। ये हमारी पैराग्राफ राइटिंग है। ये जो 4 लाइन है वो आपको आपकी वैल्यू की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।